मध्य प्रदेश के बैतूल में मोबाइल चोरी के मामूली विवाद में भतीजे ने चाचा के सिर कुचलकर उसकी हत्या कर दी। वहीं पुलिस ने अंधे कत्ल का खुलासा करते हुए बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी भतीजे से मोबाइल भी बरामद कर लिया है। दरअसल जिले के भैंसुदेही थाना क्षेत्र के ग्राम पोहर में 25 दिसंबर को पत्थर से कुचली हुई लाश खेत में पड़ी मिली थी। पुलिस ने अनुसंधान में लेकर पुलिस अधीक्षक महोदय भी हमारे घटनास्थल पर पहुंचे तो आवश्यक निर्देश दिए थे, क्योंकि अंधा कत्ल था और बड़ा बहरेमे से रविंद्र की हत्या की गई थी। काफ़ी संवेदनशील मामला था। एक टीम यहां पे थाने पे वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में बनाई गई थी और अज्ञात आरोपी की तलाश की गई थी। तलाश करते ज्ञात हुआ कि मृतक का मोबाइल 4-5 दिन पहले कहीं गुम हो गया था और मृतक अपने भतीजे नितेश पे शंका कर रहा था कि उसने मेरा मोबाइल चुरा लिया है। इस बात को लेकर हमें विवाद हो रहा था और 2-3 दिन से वो गांव में घूमते हुए देखे गए थे साथ में। इसी आधार पे नितेश से बुला के पूछताछ की तो नितेश ने अपना जुर्म कबूल किया।